तो बोरा जी ऐसी बांसुरी बजा रही हैं जैसे जीत बगड़ा बजाती थी, है ना। तो अभी मैंने भी यहाँ पे ले लिया है पूजा का सामान। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से सामान भी ले लिया है पूजा का और चलते हैं गोपीनाथ मंदिर की ओर। तो बहुत जय 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 गोपीनाथ। बहुत बहुत बधाई तुम, बहुत बहुत क्षेत्र माया तुम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हो और यहाँ पे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो हम लोग आ रखे हैं गोपेश्वर में और अभी मेरी आज की वीडियो की शुरुआत भी हो रही है गोपेश्वर मार्केट से। तो हम लोग जा रहे हैं गोपीनाथ जी के मंदिर में। जो लोग गोपेश्वर आते हैं तो एक बार गोपीनाथ मंदिर जी के दर्शन ज़रूर करते हैं। बाकी मैं आज पहली बार जा रही हूँ गोपीनाथ जी के मंदिर में, क्योंकि हम लोग आए थे सिद्धांत बेटा के साथ में, क्योंकि बेटे की ज्वाइनिंग भी हुई है यहीं। तो हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला है सिद्धांत के साथ में। बाकी बेटा तो ड्यूटी चला गया और हम लोग आ रखे हैं गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं सामान लेने के लिए। तो आके दीदी लोग सामान ले रहे हैं, तो मैं भी रखती हूँ फटाफट से सामान। तो अभी मैंने भी यहाँ पे ले लिया है पूजा का सामान और मंदिर के ठीक सामने पे लगी हुई है ये दुकान। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से सामान भी ले लिया है पूजा का और चलते हैं गोपीनाथ मंदिर की ओर। तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं और अब मंदिर ठीक सामने पे आ गया है भाई। ये देखिए सामने से है गोपीनाथ जी का मंदिर। बाकी हम लोग तो पहली बार यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला है। चल जय 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 गोपीनाथ। बहुत बहुत बधाई तुम, बहुत बहुत क्षेत्र माया तुम, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करते हो और यहाँ पे आते ही हमें मेरी YouTube फैमिली के सदस्य मिल गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ये लाला तुम गाड़ी पर चोट भी मार वो गाड़ी वाला तुम को नाम होता है ये वाले मां बस बिलो घर जो पर तो पा। अच्छा 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 और स्वास्थ्य पान बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। हां आज यात्रा और ठीक ठाक। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। तो चलते हैं हम लोग भी मंदिर में, करते हैं गोपीनाथ जी के दर्शन। यहाँ पे आते ही बहुत सारे भक्त रे थोड़ा दर्शन करी था, दर्शन करी था ना है थोड़ा गोपीनाथ जी के दर्शन करके आते वो गायक। बहुत सारे YouTube फैमिली के सदस्य मिल रहे हैं और चलते हैं अभी मंदिर में। तो ये देखिए भाई अभी हम लोगों ने गोपीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। बाकी मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना है, वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाहर का सौंदर्यकरण बहुत अच्छे से किया हुआ है। एक मेन बात है यहाँ पे सीमेंट या टाइल्स नहीं लगाई गई है, कटवा पत्थर की चिनाई से यहाँ पे चिनाई हो रखी है। तो पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा गोपीनाथ जी के मंदिर में आकर के। बहुत ही बड़ा मंदिर है, बाकी देख सकते हैं मंदिर के ऊपर वाली छत पे भी पठाले लगी हुई हैं। किसी भी प्रकार की मतलब ये नहीं है कि पेंटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखी है, जो पत्थरों पे कलाकारी है वही की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, हमेशा यहाँ पे भक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है। और उधर वाले साइड पे जाती हूँ, ये है मंदिर की चारों तरफ का सौंदर्यकरण। ये देखिए जी यहाँ पे पत्थरों पे। और ये इस मंदिर की सबसे खासियत अच्छी बात ये है कि पत्थरों पे ये डिज़ाइन बनाए गए हैं, पत्थरों पे कलाकारी कर रखी है। पता नहीं कितने साल पुराना ये मंदिर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं भक्त लोग बराबर हर समय यहाँ पे आ रहे हैं, कटवा पत्थरों से चढ़ाई हो रखी है। जय गोपी बम बम बोले, बम बम बोले। हमारे ब्लॉगर बहुत अग्नि जाया अग्रसर रहा अपना वीडियो पर की हमें आप लोग आ जाए हमारे देवभूमि माँ गोपीनाथ। बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलकर भी, और दीदी की बिटिया है। और नमस्ते बेटा, ठीक ठाक वीडियो देखते हैं।
नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत अच्छी है भाई दीदी की बिटिया भी, और आते ही मुझे पहचान दिया। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा भक्त लोग आते जाते रहते हैं, और पूरा मंदिर बना हुआ है पत्थरों से, बहुत ऊंचा मंदिर है, इतना मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है सच में। ये देखिए, ये एक बार मैं आपको मंदिर की पूरा जो प्रांगण है उसको दिखा लेती हूँ। और इस समय ना ये पत्थर बहुत ज़्यादा तच रखे हैं धूप से, तो ऐसे में पता क्या हो रहा है, पैर जल रहे हैं। भट जी भी आ गई दर्शन करके, डोलवादक हमेशा यहीं पे रहते हैं, और अभी दीदी लोग अंदर हैं वो दर्शन कर रहे हैं, तो बाकी हमने तो कर ही लिए हैं दर्शन। और यहाँ पे देखो बहुत बड़ा त्रिशूल है, इतना बड़ा त्रिशूल मैं पहली बार देख रही हूँ। कृपया त्रिशूल न हिलाएं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया करके त्रिशूल न हिलाएं, तो उस त्रिशूल को हिलाया नहीं जाता है। और ये देखिए जी, उस ज़माने की कलाकारी पत्थरों पे किस तरह से यहाँ पे कलाकारी की जा रखी है। ये देखिए, ये पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे अनेकों प्रकार के नंदी शिवलिंग के आकार के पत्थर। चला चला, और यहाँ आगे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह और भी है। ये देखिए, ये तो हर जगह पे जा रहे हैं भाई, चलो आते से ही। तो मैं चलती हूँ फिलहाल उधर तिवारी में, यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं दीदी लोग जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, और यहीं से हैं भाई। तो जय सगदन, तभी तो जय सगदन। तो यहाँ पे देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा घर है जो कि तिवारी है ये, है ना। तो आज के ज़माने में ऐसी तिवारी बहुत कम देखने को मिल रही है। बाकी मैं भी जा रही हूँ तिवारी में, तो सबसे पहले जय श्री गणेश, खोली से ऊपर चलते हैं और ऊपर तिवार में जाती हूँ मैं भी। और यहाँ पे भी जोत जगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे भी जोत जली हुई है, और यहाँ पे तो कोई नहीं बैठ रखा है। बाकी यहाँ पे गद्दी है, गद्दी रखी हुई है, गद्दी में जो भी दान दक्षिणा भेंट होगी वो लोग चढ़ा सकते हैं। जोत जगी हुई है, नंदी बैल और पूजा कर रखी है। तो ये है तिवार, तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे तिवार पे। मैंने यहाँ पे पूछा है किसी से कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि जा सकते हैं। तो मैं भी आ गई हूँ ऊपर तिवार में, लेकिन पैर जल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा धूप के कारण पैरों में जलन मच रही है। इस वाली तिवारी में आकर ना बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है, बाकी धूप के कारण भाई पैर जल रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल पुराने ज़माने के घर बनाए गए हैं गोपीनाथ जी के मंदिर में इधर उधर। और सबसे अच्छी बात भाई, ये पठाली देखो ऐसी नहीं लग रही है कि ये पठाली होंगी, ऐसे लग रही है कि सीमेंट की पठाली होगी। बाकी इधर वाली साइड के घर भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से हैं, इन पे कुछ भी मतलब और चीज़ नहीं लगाया गया है जैसा पेंट वगैरह। यहाँ देख सकते हैं मिट्टी से लिपाई कर रखी है, ये देखिए जी मिट्टी और पत्थर ही मिलेंगे इसमें, लाल वाली मिट्टी और गोबर लग रहा है इस पर, बाकी इस पर कटवा पत्थर की चिनाई हो रखी है। ये देखिए जी, अभी हम गोपीनाथ मंदिर जी के ठीक सामने हैं, उधर पे है मंदिर, यहाँ पे हैं हम। तो इधर मतलब जो हमारे रुद्रनाथ भगवान जी हैं, तो 6 महीना रुद्रनाथ में रहते हैं और 6 महीना उनकी गद्दी स्थल यहाँ पे है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी बहनें बैठ रखी हैं, और इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि भी अभी हमारे साथ में हैं। तो सभी बहनें यहाँ बोलो गोपीनाथ भगवान की, बोलो सभी भक्तों की। तो अभी हम जय जय, यहाँ पे जो हमारे रुद्रनाथ भगवान जी हैं, रुद्रनाथ तो मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन रुद्रनाथ भगवान जी 6 महीने यहाँ पे रहते हैं गद्दी में, और 6 महीने रहते हैं रुद्रनाथ धाम में। गे मेरु गोपीनाथे माँ, मैं भी आयो भोला तेरा शरण माँ, मन लगी गे मेरु गोपीनाथे माँ,
मन लगी गे मेरू गोपीनाथ माँ, मैं भी आयु बोला तेरी शरण माँ, मैं भी आयु बोला तेरा शरण माँ, में आलो चंद कख बिलोलू चंदा का शौकीन छाया बोले भंडारी, मैं भी आंदु बोला तेरा सरासी, मन लगी गे मेरो गोपीनाथ माँ, मैं भी आंदु बोला तेरा शरण माँ, मैं आलो नाग कख बेलोलो सौखीन छाया बोले भंडारी, मैं भी आंदु बोला तेरा कैलाश, मैं भी आंदु बोला तेरा कैलाश, मन लगी गे मेरो गोपीनाथ माँ, मन लगी गे मेरो गोपीनाथ माँ, मैं भी आंदु बोला तेरा कैलाश, मैं भी आंदु बोला तेरा चंद्रमा, आनके में आलो डमरू कक बेलोलो, सौकीन चना बोल भंडारी, मैं भी आंदु बोला तेरा कैलाश, मैं भी आंदु बोला तेरा कैलाश।